हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लेसिंग्स मैं मनिंदर कौर आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन वर्कशीट्स बहुत सारे पेरेंट्स मेल्स करते हैं कि मैम अगर हमें वर्कशीट्स चूज़ करनी हो अपने बच्चों के लिए तो वो किस तरीके की वर्कशीट्स होनी चाहिए तो मैं आज आपको स्टार्टिंग से किस तरीके से हम वर्कशीट्स का जो लेवल है वो भी हम बढ़ाते हैं वो मैं आपको आज सब वर्कशीट्स के थ्रू और ये वर्कशीट्स आपके बच्चों के लिए ब्रेन बूस्टिंग साबित होंगी ओके फर्दर ऑन क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जर्नलाइजेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोग क्या करते हैं कि अब आप, आप लोगों को पता चला चल गया है कि सब कुछ क्या आता है फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आता है तो अभी आप लोगों ने सिर्फ फ्लैश कार्ड्स तक खुद को लिमिट नहीं करना है अब आप क्या करेंगे जिन बच्चों के फ्लैश कार्ड्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं लाइक एसोसिएशन पिक्चर्स हो गई कि टी शर्ट गोज़ विद पैंट है ना लॉग गोज विद कीज जो ये चीज़ें हो चुकी हैं तो अब आप उनको वर्कशीट्स पे ले आए दैट इज़ कॉल्ड जर्नलाइजेशन ताकि स्कूल में सिटिंग टॉलरेंस आए अल्टीमेटली उनको हम प्री स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उनको नोटबुक्स के लिए रेडी कर रहे हैं राइटिंग के लिए ठीक है जी तो इस तरीके से इसका ये इंपॉर्टेंस है वर्कशीट्स पे तो आपको अपने बच्चों को लेके आना ही होगा लेटर ऑन तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब बच्चा स्टार्टिंग में हमारे पास आता है आफ़्टर 15 डेज़ लाइक like उसका कोऑपरेशन इंक्रीज करके वेटिंग पेशेंस लिसनिंग आई कांटेक्ट रिस्ट टू नेम पे काम करने के बाद लिटिल बिट फाइन मोटर पे काम करने के बाद जब मुझे लगता है कि अभी फाइन मोटर ठीक है उसका तो हम थोड़ा टाइम के बाद उसका शीट शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहली शीट होती है स्टार्ट एंड स्टॉप की जो भी पेरेंट्स दो साल के जिनके बच्चे हैं है ना टू इयर्स के बच्चे हैं वो भी डेफ़िनेटली वीडियोस देखते हैं इवन uh, बिल्कुल टोटलर्स लाइक जिनका बच्चे को कोई इशू नहीं है वो भी जब भी स्टार्ट कराएं तो हमें कभी भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना एकदम से हम उनको इनिशियली ये वाली स्टार्ट कराते हैं जिसमें हम कहते हैं स्टार्ट और स्टॉप इसका एक और भी फायदा है कि बच्चे को स्टॉप का कॉन्सेप्ट इस वर्कशीट से भी आएगा तो 15 डेज हम स्टार्ट स्टॉप कराते हैं बच्चों को पहले ऐसे कराएंगे फिर हम वर्टिकल कराएंगे ठीक है फिर हम कर्व में कराएंगे सेम जो स्कूल वाले प्रोसीजर फॉलो करते हैं बट द थिंग इज कि हमारा कहने का तरीका लिटिल डिफरेंट स्टार्ट और स्टॉप अभी रीत आपको सारी वर्कशीट्स आज करके दिखाएगी से हाय टू एवरीबॉडी रीत हाय या आज मैं आपको स्टार्ट स्टॉप सिखाऊंगी ओके चलो आप पेंसिल निकालो अपनी कहाँ डाली है आपने ननू चलो जी बस इसको करना था ठीक स्टार्ट बोल-बोल के दिखाओ स्टार्ट स्टॉप या ओके ओके अप टू यू स्टार्ट Stop. Very good. Start. Stop. Hmm. Start. Stop. अच्छा एक Start, पेरेंट्स ना रीड कर रही है साथ साथ हम बात कर लेते हैं Start, एक पेरेंट्स की ना बहुत stop. बड़ी अनकॉन्शियसली आप लोग ना साथ stop. में हम्म 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 ये अनकॉन्शियसली आवाज आती है ये आपको बंद करनी है इससे stop. क्या है कि आपके बच्चे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे डिपेंडेंसी आ जाएगी हम्म की साउंड पे ठीक है जी तो वेरी गुड शाबाश मेरा पुत्र और आपने हर वर्कशीट पे आपने डेफिनेटली रिवॉर्ड्स देने हैं ठीक है जी ओके तो नेक्स्ट वर्कशीट जो होगी वो हम करते हैं मैचिंग की क्योंकि टेबल टॉप पे मेरी अदरवाइज चल रही है कलर मैचिंग मैं आपको उधर भी टारगेट बताती जाऊंगी और इधर भी टेबल टॉप पे अदरवाइज प्रैक्टिकली आई एम टेकिंग कलर मैचिंग के कार्ड्स और उसको वर्कशीट में अभी हम मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करेंगे ठीक है जी लो मेरे बच्चा तो पहले स्टार्ट एंड स्टॉप ठीक है जी उसके बाद क्योंकि हम पिक्चर मैचिंग कलर मैचिंग बच्चे को टेबल टॉप पे कराते हैं लाइक like प्रैक्टिकली तो अभी फिर उसको वर्कशीट पे डाल देंगे वेरी नाइस वेरी गुड वेरी नाइस यस इट्स रॉक्ली पिक्चर मैचिंग भी लाइक like, मैचिंग uh, के बहुत सारे गूगल पे हैं बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी वो आप निकालें कोई आपको इतना कोई ग्रुप फॉलो करने की इतनी जरूरत नहीं है कि वर्कशीट्स के लिए कुछ नहीं है गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है इट्स ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल चलो फटाफट करके दिखाओ जी पैर नहीं हिलाएंगे ना बेटा वेरी गुड गुड तो ये हो गई मैचिंग की नेक्स्ट एक और मैचिंग की मैं आपको दिखा देती हूँ ये आई एम जस्ट गिविंग यू क्रिएटिव आइडियाज़ सो दैट आपको पता चले कि गूगल में सर्च कैसे करना है और किस टाइम पे करना है भागना नहीं है ठीक है जी तो इसी तरीके से पिक्चर मैचिंग हो गई है ये फिर क्या होता है कि फिर हम आएंगे स्कूल वाली चीज़ों पे ठीक है जी स्कूल वाली चीज़ों पे क्या लोग वो स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग मैं सीधा आई एम नॉट फॉलोइंग एनी पैटर्न लाइक कि पहले स्लैंटिंग या हाँ जी स्ट्रेट आना चाहिए वर्टिकल नहीं आना चाहिए कोई बात नहीं जस्ट वी वेट मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि ट्रेसिंग कब आना चाहिए ठीक है जी कराओ जी करो जी मेरे बच्चा हम्म जल्दी करो जल्दी फास्ट नेकलेस यस इट्स नेकलेस डू

ये आप एक बुक नोटबुक की तरह बाइंड करके रख लें और 14 डेज के लिए रेगुलर कराएं ओके अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस है तो सिचुएशन थोड़ी पथेटिक है तो घर में इन चीज़ों का सपोर्ट लें बच्चे का टाइम निकालने के लिए और हमेशा ना आप लोग बहुत ब्लंडर करते हो इस चीज़ में कि आप इतना इतना काम इकट्ठा दे देते हो हाँ हाँ इट्स ओके इट्स ओके बेटा ऐसे पता कितना टाइम लग जाएगा हम सिर्फ आइडियाज़ दे देते हैं ठीक है बाकी पेरेंट्स करेंगे नन्नू जी पर वो तो ले कोई बात नहीं मैं आपको बाद में बैठा के अच्छे से कराऊंगी ठीक है जी तो ये हम सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं देखो फिर हम वन और टू स्कूल में स्टार्ट हो जाता है तो हम उस पर भी फोकस करेंगे।, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग करेंगे या अभी बच्चे ट्रेसिंग करते हैं ना जब छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं तो हुँ? है ना आप करते थे ना पूरी पूरी बुक यस yeah, so तो yeah, ये।, so ये भी ट्रेसिंग है उसके बाद जो हम ये ये हाँ ये पेज ये वाली लाइन कर लो आप वेरी गुड hmm. तो ये स्कूल वाले इस चीज पे काम करते रहेंगे घर पे फिर हम पिक्चर मैचिंग से आ जाएंगे शेडो मैचिंग पे ठीक है जी लो जी शेडो मैचिंग करके दिखाइए आप अदरवाइज मैंने आपके लिए एक शेडो मैचिंग के लिए एक अलग से मैंने सोचा है आपके लिए वीडियो शूट करने का क्योंकि शेडो मैचिंग से बहुत ज्यादा इट्स एन अटेंशन एक्टिविटी अदरवाइज हाँ जी बेटा गुड गुड मैच ये जो शेडो मैचिंग है ये बहुत ही अटेंशन वाली एक्टिविटी है तो ये मैं अटेंशन एक्टिविटीज की वीडियो डालूंगी तो उसमें मैं आपको शेडो मैचिंग के एक्सप्लेन करूंगी बहुत सारी वीडियोस ओके okay. उसके बाद है नेक्स्ट वर्कशीट जिसमें है कि थिंग्स दैट मूव और हमें क्या करना है कि हाफ हाफ पिक्चर्स हैं उसको लास्ट हाफ के साथ हमें कंप्लीट करना है सो मैच द हाफ टू कंप्लीट द पिक्चर ओके जी डू देखो सारी शीट्स ही ब्रेन बूस्टिंग है बच्चे को माइंड लगाना है इन चीजों में बहुत ही वंडरफुल शीट्स है डन वेरी गुड ओके देखो है मैचिंग ही अगेन ब्रेन बूस्टिंग है इंसेक्ट्स uh, के बीच वाले पार्ट्स इनको टमी वाला पार्ट यू कैन से है ना जो फ्रंट है वो मिस कर दिया इन लोगों ने और यहाँ पे कर दिया देखो कितना प्यारा ये एक्टिविटी है ओके सो मैच ईच इंसेक्ट विद इट्स मिसिंग बॉडी पार्ट्स ओके वेरी गुड वेरी नाइस गुड Next sheet is find two similar pictures. Again, this is a part of matching, but that is of another level. Okay, find two similar pictures. You need to match all the similar pictures. Okay, yes, definitely. These are not monkeys. I don't know actually. Okay, so the next thing is. पैर नहीं हिला ऐसे नेक्स्ट है उसके बाद वट डज नॉट फिट जो मैंने इस पर एक वो भी बनाई थी वीडियो कि फाइंड द ऑड वन आउट है ना फाइंड द डिफरेंट तो उसी में ही एक वर्कशीट अब आ गई है देखो टेबल टॉप पे मैं बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ फाइंड द डिफरेंट है ना फाइंड द डिफरेंट वन या सर्कल द डिफरेंट वन तो यहाँ पे अभी इसी को हम शीट में कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ वट डज नॉट फिट ओके okay, जी अभी मेरे को बताइए आप म्यूजिक नॉट म्यूजिक यू नीड टू से लाइक इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिस इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक अच्छा ठीक है ठीक है गो ऑन म्यूजिक 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 दिस इज नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नीड टू ओके क्रॉस ओके नाउ हेयर टेल ओके बस यू नीड टू डू ओनली वन ना कि क्रॉस करना है कि सर्कल करना है एक चीज चूज करें यहां पे बताओ व्हाट डज नॉट फिट जी फोन वेजिटेबल जी टेबल फोन इज नॉट फोन इज नॉट अ वेजिटेबल राइट सो दिस इज डिफरेंट अच्छा यहां पे आइए बताइए व्हाट इज डिफरेंट डायनासोर डायनासोर एग डायनासोर डायनासोर व्हाट इज डिफरेंट हियर elephant is no. different right no. now tell me what is different here this is different no creons creons mm. yeah d i don't know this is triangular this is some stationary Station. mm. Mm. pencil mm. yes and what is this

सो so, इस तरीके से आपको करानी है ओके ओके सो द नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत सिंपल है अगेन यहाँ पे भी एक है देखो इस तरीके से भी सर्कल द ऑड वन आउट ये थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ गया है अभी हम कॉम्प्लिकेटेड वर्कशीट्स uh, की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे देखो इस शीट को करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे को फूड वुड uh, से बनी हुई आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए लाइक फर्नीचर ठीक है जी हाँ जी बताइए बोलो सर्कल द ऑड वन आउट ये सब वुड से ही बने हुए हैं हम्म वुड से बने हुए तो इनमें से कौन सी ओह व्हाट आर यू डूइंग इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो वुड से नहीं बनती है ये बताएं आप ये वुड से कौन से आइटम नहीं बनी हुई है ट्रीज वुड हमें मिलती कहाँ से है ट्री से हैंड पीछे करें आप पहले इन्होंने बोला है सर्कल द ऑड वन आउट इनमें से जो डिफरेंट है उसको सर्कल करें different क्या डिफरेंट है, है आपके हिसाब से ट्री इज नॉट डिफरेंट इशे या यू आर राइट ट्रीज डिफरेंट एक्चुअली है ना <laughs> चलो ये भी ठीक है दोनों चीजें हम देखो इन चीजों में देख सकते हैं ये भी वुड से बना है ये देखो ये स्टैंड भी वुड से बना है सोफा भी वुड से बना है टेबल भी वुड से बना है तो इसमें हम दो तरीके से देख सकते हैं और अगर हम अदरवाइज देखें तो ट्री इज डिफरेंट क्योंकि ट्री ही हमारे घर के बाहर होता है बाकी सारी चीजें घर के अंदर होती हैं राइट ये तो हमने नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया आज है ना दिस इज डिफरेंट ओके मेरा बच्चा गुड दोनों डिफरेंट यस ओके द नेक्स्ट थिंग इज की उसके बाद है मैच द नंबर ज्वाइन द नंबर डॉट्स यू कैन से हां जी बच्चा इसके लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे को वन टू टेन तक काउंट आता हो ठीक है वेरी गुड शाबाश ये ये वर्कशीट्स आपको निकालनी है और बच्चों को बोर नहीं करना है सिंपल नोटबुक्स पे काम दे दे के ठीक है जी कोई ज़्यादा इसमें कुछ एक्सपेंस नहीं रखता है सिर्फ गूगल से आपको वर्कशीट्स डाउनलोड करके निकलवानी है दैट्स इट ओके द नेक्स्ट शीट इज स्पोर्ट थ्री डिफरेंसेस ओके चलो जी थ्री डिफरेंसेस बताएं ओ oh -oh, ये तो सारे दिख रहे हैं आपको okay. चलो जी बताओ बस डोंट डोंट टेल दिस क्या क्या डिफरेंट है अच्छा हुँ. यहाँ पे हनी भी है इधर नहीं है ओके okay. और क्या डिफरेंट है हुँ. इस पे हनी भी है इस पे फोर हनी भी है ना ठीक है और क्या डिफरेंट है ये लेडी बग हम्म इसमें है इसमें नहीं है लेडी बग नहीं ओके okay. ये तो को हम्म राइट और क्या डिफरेंट है क्या डिफरेंस है इन दोनों में इसमें रेड है इसमें रेड नहीं है ये पूरा ही रेड है ना इसमें ब्राउन आउटलाइन नहीं है राइट इशे सो थ्री डिफरेंसेस आर डन हां जी वेरी गुड ओके बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम प्लीज हमें मेजेस का आइडिया से गूगल पे ना ये क्या बोलूं मैं आपको आप सिर्फ मेजेस का डालें सर्च में और इतनी आपके पास वर्कशीट्स खुल जाएंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो इस तरीके के मेजेस अदरवाइज जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है वो बिल्कुल बेस है कि आपको ये जो बाउंड्री है उसको चौड़ा करके देंगे ब्रोड करके देंगे ताकि बच्चे को इजी रहे है हाँ ना अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे तो मेजेस देखो अभी यहां पे ठीक है और यहाँ पे और नैरो हो गया देखो ठीक है जी तो इस तरीके की वर्कशीट देनी आपने जस्ट वेट हाँ जी करें बाउंड्री के अंदर है ना आपको ना से hmm. पहले आप देखे तो सही है आपको जाना कहा है ओ नीड्स अ ट्रेजर है ना गुड गर्ल तो इस तरीके से वर्कशीट्स का जो है आपको लेवल है वो बढ़ाते जाना है हाँ जी और आपने तो हाँ कोई बात नहीं अभी आप भी बैठे तो इस तरीके से आप वर्कशीट्स गूगल से निकालें कुछ बुक्स भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं वर्कशीट्स वाली बुक्स हैं एक्टिविटी वाली बुक्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी अभी पैथेटिक है बच्चे घर में बैठे हैं बोर हो रहे हैं बिहेवियर्स आ रहे हैं तो आप लोगों को ना कभी भी इतने बड़े बड़े चीज़ें नहीं देते हैं आप सीधा दे देते हैं कि राइट वन टू हंड्रेड जब बच्चे को पता होगा ना कि मेरा इतना टारगेट बिग है तो डेफिनेटली बिहेवियर्स आएंगे कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको खरीदना आ, सिखाना है तो थ्रू कलरफुल वर्कशीट्स के ही सिखाएं ठीक है तो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और क्लियर बनेगा सो थैंक यू सो मच ये मेरा एक ट्राई था कि मैं आपको हर चीज़ सिखाऊं जो जो हम लोग अपने यहाँ पे थेरेपीज में एप्लीकेबल करते हैं ओके जी Thank you. If you like my videos, keep sharing my videos. Thank bye. you. Bye bye.